कोरोना के प्रकोप के बीच दिल्ली वालों के लिए सोमवार को एक राहत भरी खबर सामने आ गई। जी हाँ, इस दिन कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में 16 नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग संकटे में आ गया। सोमवार को एक भी पॉजिटिव केस नहीं आने से विभाग ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी आंकड़ों का गणित समझने से बेहतर होगा कि फिलहाल बचाव पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, क्योंकि बचाव ही इस वायरस के चेन को तोड़ने का सबसे बढ़िया साधन है। इसलिए लोगों को बचाव पर ध्यान देना चाहिए। सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक दिल्ली में कुल 30 पॉजिटिव मामलों की पहचान हुई है, जिसमें से एक भी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वहीं 5 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। अभी अस्पताल में 23 मरीज एडमिट हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 117 संदिग्ध मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट्स आने के बाद आगे इन मरीजों के बारे में फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में कुल 11 पॉजिटिव मरीज एडमिट हैं। एनएनजेपी में 6, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 5 और जीटीबी में 1 मरीज एडमिट। बड़ी बात यह है कि इस खबर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना ट्वीट किया। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोई नया केस नहीं आया, 5 लोग इलाज करवा कर जा चुके हैं। अभी खुश नहीं होना, अभी अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी भी अवस्था में स्थिति को बेकाबू नहीं होने देना, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। बड़ी बात यह है कि जहां पर पूरा देश जहां लॉकडाउन है, पूरा विश्व जहां लॉकडाउन है, इस बीच अगर दिल्ली में ऐसी राहत भरी खबर सामने आ रही है तो जनता को अब ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।